एपिसोड के शुरुआत में हमें एक चौथी लड़की को दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लड़की अपने इंट्रोडक्शन दे रही होती है और उधर वो लड़की बोल रही होती है, मेरे नाम है आओचेन और ये नेम मुझे मेरे पापा ने दी थी। और उसके बारे में दिखाया जाता है, आओचेन जब बड़ी हो जाती है, जब वो स्कूल का टीचर बोल रहा होता है, इस असाइनमेंट में आओचेन को ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है, जो सुनकर सब लोग हैरान होता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है, आओचेन कुछ सोच रही होती है और तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम होता है तकुमी, और जो तकुमी उसे पूछता है, हे तुम्हें असाइनमेंट में क्या क्या था जो तुम्हें सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है। और ये सुनकर आओ उसे पूछते हैं, क्या तुम्हें पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए आए हो। और तभी वहाँ पर दो लड़का आता है और वो दोनों लड़का तकुमी के दोस्त होते हैं। और उसके बाद तकुमी उन दोनों लड़कों के साथ बातें करने लगता है और उधर उन लोगों को देख कर इधर आओचेन अपने अंदर ही कुछ सोचने लगता है, जहाँ पर आओचेन सोच रही होती है, यानी वो अपने अंदर ही सोच रही होती है, ये लड़के लोग बहुत थरकी होते हैं लेकिन तकुमी का लुक्स बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आओचेन अपनी मोबाइल में एक गेम को देखने लगती है, जब वो तकुमी फिर से आकर उससे पूछता है, ये कौन सा गेम है। और ये सुनकर आओचेन अपने अंदर ही सोचने लगती है, ये हमेशा मेरे साथ बात करने के लिए क्यों आता है। और उसके बाद आओचेन बोलती है, ये गेम नहीं है, प्लीज़ तुम इधर से चले जाओ। और ये सुनकर ताजुमी का दोनों दोस्त उसके ऊपर हंसने लगता है और आओचेन अपने अंदर ही सोचने लगती है, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, यहाँ पर सारे लड़के हॉर्नी टाइप के हैं जो सब सेक्स के भूखे हैं, लेकिन ताजुमी मेरे पास आता है क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्या वो भी मेरे साथ ये सब करने की सोचता है। और ताकुमी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है और उसके बाद वो आओ की ओर देखता है, जहाँ पर आओ नहीं होती है, जो देख कर वो बोलने लगता है, क्या आओ मेरे से हेट करता है। और ये सुनकर वो अपने उसका दोस्त बोलने लगता है, आओचेन एक अच्छी लड़की है, वो लड़कों से दूर रहते हैं। और अभी कुछ लड़कियाँ उधर आती है और उधर वो लोग बोलने लगती है, आओचेन लड़कियों के साथ भी बातें नहीं करती है लेकिन तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत करता है, इसलिए तुम उसके साथ हमेशा नॉर्मली ही बातें करना, तभी वो तुम्हारे साथ बातें करेगी। और इधर हमें आओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने मोबाइल को देख कर बोल रहा होता है, यानी वो अंदर ही सोच रहा होता है, ये ताको मैंने गलत सोच लिया था, ये मेरा गोल मैनेजमेंट ऐप है जो मेरी पढ़ाई के लिए है और मैं नेक्स्ट टाइम उसे बोल दूंगा, मैं लड़कों को हेट करता हूँ सिर्फ मेरे परिवार के अलावा। और उसके बाद में दिखाया जाता है, आओचेन अपने घर पर आ जाता है और इधर उसका पापा उसको पूछता है, आओ तुम इतना लेट क्यों हो गई हो। और इधर आओ बोलते हैं, मुझे कुछ काम से देर हो गई। और सुनकर उसका पापा बोलता है, मुझे बताओ क्या काम था। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, जब वो लड़का बोलता है आओ तुम ठीक से रहना। उसके बाद वो ताकुमी के दोस्त के बारे में बोलने लगता है और इधर आओ के पापा बोलने लगता है, मैं तुम्हारे स्कूल जाऊंगा आओ, और मैं सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दूंगा। और सुनकर आओ बोले, स्टॉप ये सब मत करना। और इधर उसका पापा बोलता है, तुम मुझे पुडिंग दो नहीं तो मैं तुम्हारा स्कूल जाऊंगा। और उसके बारे में दिखाया जाता है, आओ उसे खाने के लिए पुडिंग दे देती है और इधर आओचेन बोलती है, आज मैं कोई भी लड़के के साथ बातें नहीं करना चाहती हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर आओचेन स्कूल जाने के लिए ट्रेन की वेट कर रही होती है, जहाँ पर वो सोच रही होती है, आज मैं जाकर ताकुमी को बोल दूंगी कि मैं उसे हेट करती हूँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है स्कूल पर, जहाँ पर आओचेन स्कूल को सर्व कर रही होती है और तभी वहाँ पर एक टीचर आकर बोलता है, आओचेन तुम नर्स ऑफिस में चले जाओ और जाकर ताजुमी को यानी ताकुमी को उसका यूनिफॉर्म दिला दो। और सुनकर आओचेन अपने अंदर ही सोचती है, यही सही समय है, मैं कैसा फील करती हूँ उसे मैं अभी बता दूंगी। और हमें नर्स ऑफिस पर दिखाया जाता है, जब ताकुमी अपने एक दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है और इधर वो एक ग्रुप डेटिंग में जाने की बातें कर रहा होता है, और इधर बाहर से आओचेन सब कुछ सुन लेती है। और उसके बाद ताकुमी का दोस्त चला जाने के बाद आओचेन बाहर से बोलती है, ताकुमी मैं तुम्हारा यूनिफॉर्म लाई हूँ। और ताकुमी बोलता है, थैंक यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और उसके बाद आओचेन उसे बोलने लगती है, किसी बात मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। और ताकुमी बोलता है, हाँ बोलो। और इधर आओ बोलने लगती है, तुम स्कूल में बहुत पॉपुलर हो और तुम हमेशा मेरे साथ बातें करती हो, तो मैं सोचती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छा लड़का हो। और तभी आओचेन नर्स रूम पे खिड़की पर देखती है कि उसका पापा पीछे खड़े होकर कुछ उसे दिखा रही होती है, जो देखकर आओचेन शॉक हो जाती है। और ये देखकर ताकुमी विंडो के ओर देखने वाला था, तभी आओ उसे बोलती है, मत देखो उधर, और ये बोलकर वो जम कर देती है, जब पर आओ जाकर ताकुमी के ऊपर ही गिर जाता है। और उसके बाद दोनों उधर बैठ जाते हैं, जावर ताकुमी उसे पूछता है, तुमने उन पर क्या देखा था। और इधर आओचेन बोलती है, सॉरी मेरा मिस्टेक था।
और उधर अवसन अपने अंदर कुछ सोचने लगती है और उधर ताकू में बोलता है, तुम क्या बोलना चाहती थी, अब तुम बोल सकती हो। और उधर अवसन अपने अंदर सोचने लगती है, ये बहुत हार्ड है उसे बताना कि मैं उसे हेट करती हूँ। और उसके बाद आवसन बोलती है, ताकुमी ये बोलना बहुत मुश्किल है, वो भी तुम्हारे सामने। और ये सुनकर ताकुमी बोलता है, लेकिन क्यों? और ये सुनकर अवसन उसे बताने वाली होती है और तभी उसका शर्ट ऊपर उठ जाता है, यानी उसके फर्दर रस्सी से उसका शर्ट ऊपर कर देती है। और ये सब देखकर अवसन अपने अंदर सोचने लगती है, मेरा फादर एक इडियट है। और इधर ताकुमी को देखकर वो डर रही होती है क्योंकि वो आगे आ रहा होता है, और इधर ताकुमी आकर उसको एक शर्ट से ढक देता है और बोलता है, आओ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन मैं फिजिकली होने के लिए नहीं। और ये सुनकर अवसन सोचती है, मैं क्या सोच रही थी। और उसके बाद में दिखाया जाता है अवसन ट्रेन से होकर घर जा रहा होता है, और इधर वो अपना मोबाइल को निकल कर देखने लगती है, यानी वो अपने स्टडी शेड्यूल को देखने वाली थी। और तभी वो एक मैसेज को देखता है जो उसका पापा ने उसे दी थी, जिसे देख कर वो अपना मोबाइल फोन नीचे फेंक देती है और वो बोलती है, आई हेट मैन और मैं कोई भी दोस्त नहीं चाहती हूँ। और यही मेरे साथ एंड हो जाता है।